तो देवी सज्जनों, हमारे इन दोनों मेहमानों से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है और आज एक तरह से शोले रियूनियन कहा जा सकता है। बहुत सी पुराने यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। अभी तक विश्वास नहीं होता कि 46 साल बीत गए रमेश जी, इतने साल बीत गए, फिर वापस हम लोग मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे याद है कि इस पिक्चर की शूटिंग अक्टूबर महीने में ही हुई थी, 2 तारीख को होने वाली थी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन लेकिन इतनी बारिश हुई कि एक शॉट नहीं ले पाए। वी मैनेज टू शूट वन सीन, नेक्स्ट डे आप चाबी लौटा रहे हैं जया जी। सर बिल्कुल सही, फर्स्ट शॉट। अच्छा, जया जो थी वो गर्भवती थी? यस, हमारी पहली बेटी के, श्वेता उनका नाम है। तो अभी मैं श्वेता से बात करता तो हमने कहा आपने भी शोले में काम किया हुआ है। हम बता दें कि आमतौर पर जब ये डाकुओं वगैरह की कहानी बनती है ना, तो जाते हैं किसी भिंड मरीना में जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं। तो जब हमारी रमेश जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इसकी शूटिंग हम बेंगलोर में करेंगे। मैं कहा यार बेंगलोर में तो हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, कहाँ ये डकैत की कहानी बनेगी वहाँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा चलते हैं। रामनगर एक जगह, एक गांव ढूंढा इन्होंने और वहां जाकर के इन्होंने पूरा सेट वेट बनाया और सब पहाड़ी इलाका था, कोई सड़क वड़क भी नहीं बनी थी। तो आपने न केवल मकान बनाया बल्कि सड़क भी बनवाई। पिक्चर कितना मेहनत से 2 साल से पहले कंप्लीट हो गई एंड रिलीज हुई अगस्त 1575 में रिलीज हुई और मैं शूटिंग कर रही थी राजकमल में। So he came to see me. So I was very excited to know ki kya hua, what is the result. So as he came, I said, sir, hilaya. So I said, what happened? Nahi, bilkul pasand nahi kiya. So it was so shocked. इसके बाद की कहानी अब मैं बता रहा हूँ। हाँ जी बताइए। इसके बाद हुआ ये हेमा जी, बहुत सारी वजहें ढूंढी, अंत में एक निर्णय निकला कि यार देखो ये विडो रीमैरिज वाली बात जो है ना, ये बड़ी इमोशनल होती है। और फिल्म में ये था कि हमारी मृत्यु हो जाती है और जया जो है वो विधवा बन जाती है, ये गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करना चाहिए। तो ये तय हुआ कि हमको जीवित कर देंगे फिर से। अच्छा, इन्होंने कहा कि हमारे जो बेंगलुरु के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने कहा नहीं सर आप रात को आ जाइए, सुबह शूटिंग करेंगे, ये फ्राइडे की बात हो रही है, और सैटरडे को शूटिंग करेंगे और संडे तक ये सब फिल्मों हम सब थिएटर में डाल देंगे, मंडे तक देखिए क्या रिजल्ट आता है। हम लोग तय हो गए। रमेश जी गए थोड़ी दूर आगे और फिर मुड़ के कहा यार ऐसा है मंडे तक ठहर जाते हैं, देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो नहीं जाते हैं। मंडे के बाद इतिहास रच गया भाई।